नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार हमारे YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भारतीय इतिहास को पता करने के लिए कौन कौन से स्रोत है। इसमें हमने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो पेश है आपके सामने 69 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो लेट्स गो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। अब देखिए, ऐतिहासिक नहीं है, पहले आपको एक बात नोट करनी होगी, वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर देते समय ध्यान रखनी होती है कि आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसी में ही उत्तर के कुछ संकेत निहित होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्य स्रोत नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो इसमें अभिलेख ऐतिहासिक है, जैन धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक है, बौद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिहासिक है। अब आपको सारे ऐतिहासिक लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अभिलेख लिखित है, ठीक है ना, जैन धर्म लिखित ग्रंथ है और बौद्ध धर्म लिखित ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखित ग्रंथ है, लेकिन इसका साहित्यिक स्रोत है, ये सभी तीनों है, ये ऐतिहासिक स्रोत तो तीनों है, लेकिन अभिलेख जो है वो साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक यानी लिखा हुआ, तो अभिलेख लिखा हुआ नहीं है, बाकी सभी ये सभी लिखित रूप से ग्रंथ है, इसलिए अभिलेख हमारा साहित्यिक स्रोत नहीं है। इसमें जैन धर्म लिखित में है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है इसलिए लिखित में है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखित में है, लेकिन अभिलेख लिखित में है, लेकिन पत्थर पर लिखित में ये साहित्यिक में नहीं माना जाता है, इसलिए अभिलेख ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य का रचना क्षेत्र है। अब उत्तर वैदिक साहित्य जो था वह कहाँ पे लिखा गया, अवध में, कुरु पांचाल, मिथिला और सौराष्ट्र। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न वापस पढ़िए, उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वेद के बाद का समय, वो साहित्य की रचना का कहाँ पे हुई। तो इसका सही आंसर होगा आपके कुरु पांचाल। तीसरा प्रश्न है आपके, फाइयान का भारत आगमन काल है, ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो 299 ईसा पूर्व, 399 ईसा पूर्व या 499 ईसा पूर्व, अब आपको सेम एक जैसे बताए आंसर दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसका उत्तर है आपके 399 ईसा पूर्व। चलिए आगे वाला प्रश्न चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है, अर्थवेद में वर्णित है। अर्थवेद में क्या वर्णित है, चिकित्सा, जादू टोना, धनुर्विद्या, ताबीज की विद्या, ऑप्शन बी है यज्ञ अनुष्ठान की विद्या, ऑप्शन सी है संगीत संबंधी विद्या और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके होगा चिकित्सा, जादू टोना, धनुर्विद्या, ताबीज की विद्या, ये आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर है ए, अर्थवेद में वर्णित है चिकित्सा, जादू टोना, धनुर्विद्या, ताबीज की विद्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर पांच है कि तमिल लेखक परनार किस काल से संबंधित है, गुप्त वंश से, चालुक्य वंश से, मौर्य वंश से या शुंग वंश से। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सोचिए आप, इसका आंसर होगा सी, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं कि पंच मार्कंड सिक्के कहलाते हैं। ए है अहद सिक्के, बी है चांदी के सिक्के, सी है सोने के सिक्के और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। पंच मार्कंड, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा आपके ए, अहद सिक्के।
समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अब देखिए इसमें भी आप ध्यान रखना, कालिदास की है नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है कालिदास की नहीं है, जो कालिदास ने नहीं लिखी है। इसका आंसर का ए ऑप्शन है अभिज्ञान संकुतलम, बी ऑप्शन है मालविकाग्नि मित्रम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस और डी ऑप्शन है रघुवंश। इसका सही आंसर होगा आपके सी मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस जो है कालिदास ने नहीं लिखी थी, कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम लिखी थी, मालविकाग्नि मित्रम लिखी थी और रघुवंश लिखी थी। मुद्रा राक्षस जो थी विशाखदत्त ने लिखी थी एवं गुप्त वंश का इतिहास इसमें वर्णित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी, कालिदास ने नहीं लिखी थी। विशाखदत्त जो था वो गुप्त वंश में हुआ था और उसने उसमें गुप्त वंश का इतिहास वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा चीनी यात्री नहीं है? अब देखिए चीनी यात्री नहीं है क्वेश्चन है ना, एरियन ए आंसर, बी होगा फाइयान, सी ए सुंगयून और डी ए हेनसोंग। अब इसमें से सही आंसर कौन सा होगा सोचिए, इसका सही आंसर होगा एरियन। क्यों? क्योंकि फाइयान चीनी यात्री था जो भारत आया था, युंगसोंग चीनी यात्री था और हेनसोंग चीनी यात्री था, लेकिन एरियन चीनी यात्री नहीं था। एरियन मौर्य काल में यूनान से आया था, यूनानी लेखक था। वापस देखिए, जो एरियन था वो मौर्य काल में आया था और यूनानी लेखक था। फाइयान, युंगसोंग और हेनसोंग जो थे चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अरबी यात्री सुलेमान की रचना है। अब देखिए सुलेमान की रचना यानी सुलेमान ने कौन सा ग्रंथ या कौन सा किताब लिखी थी? किताब है ए आंसर है किताब फुतू अल विल्दान, बी है ताकिक ए हिंद, सी है तारणपंथी और डी है सिलसिला तुल तवारिक। इसका सही आंसर होगा आपके सिलसिला तुल तवारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस में उत्तरापद और हकमी साम्राज्य का वर्णन है? किसका? देखिए इसमें आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, उत्तरापद और हकमी साम्राज्य का वर्णन है। ए ऑप्शन है इंडिका में, बी ऑप्शन है थेरावली में, सी ऑप्शन है सीयूकी में और डी ऑप्शन है हिस्टोरिका में। तो इसका सही आंसर होगा हिस्टोरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है चारस, बी ऑप्शन है नियारकस, सी ऑप्शन है मेगस्टनीज और डी ऑप्शन है सुंगमून। इंडिका के लेखक, जो इंडिका नामक पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, इंडिका जो थी मैगनीस्टिन ने लिखी थी। मैगनीस्टिन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है, इसलिए इसका आंसर होगा सी मैगनीस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिस्टोरिका के लेखक है, हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इसका ए ऑप्शन है अरिस्टोबुलस, बी ऑप्शन है चारस, सी ऑप्शन है शेक्सपियर और डी ऑप्शन है हेरोडोट। तो हिस्टोरिका किसने लिखी थी सोचिए, इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद हमने आपको पढ़ाया था उस वक्त, हमने आपको कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेदों के बारे में बताया था। तो अब देखिए इसमें दो बात, एक तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़िए, पहले तो आप उत्तर देते समय है वाला उत्तर करके आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होते ही आपके आंसर गलत हो जाता है। तो कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है कपिस्थल, बी ऑप्शन है काष्टक, सी ऑप्शन है मैत्रायणी और डी ऑप्शन है वाजनेयी। कौन सा उत्तर सही होगा इसका? इसका उत्तर डी सही होगा, वाजस्नेयी। क्योंकि कपिलिष्टक जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, काष्टक है काटक जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, मैत्रायणी भी जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, लेकिन वाजस्नेयी जो है वह
कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। अब वृक था मंजरी के लेखक कौन है, वृक्ता मंजरी के लेखक कौन है, ये पुस्तक है वृक्ता मंजरी, मंजरी इसके लेखक आपका ए ऑप्शन है सेमेंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मदेव, सी ऑप्शन है बाणभट्ट और डी ऑप्शन है श्यामदेव सोपदेव। देखिए इसका सही आंसर आपका है ए सेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थेरावली है। अब देखिए थेरावली क्या है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है या वैदिक ग्रंथ है। देखिए थेरावली हमने आपको पढ़ाया था, जिस वक्त आपको वीडियो में आप वापस देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा थेरावली कौन सा ग्रंथ है, ठीक है ना, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों को थेरावली भी थेरावली मेरुतुंग की रचना है जो सुंग वंश की ऐतिहासिक स्रोत है, इसलिए ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, चिराद बिहार में, सी ऑप्शन है नालंदा बिहार में और डी ऑप्शन है शाहजहाँपुरा उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहाँपुरा उत्तर प्रदेश में। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित था, इसका समय 628 ईस्वी आकलन किया गया है। हर्षवर्धन से संबंधित एक दूसरा अभिलेख मधुबन अभिलेख आजमगढ़ उत्तर प्रदेश 631 भी महत्वपूर्ण अभिलेख है जो अवस्थित है, ठीक है ना। तो ये बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख जो है इससे संबंधित जानकारी है आपके लिए जो शाहजहाँपुरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एरन स्तंभ लेख गुप्त काल के किस शासक से संबंधित है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एरन स्तंभ लेख पहली बात, दूसरा गुप्त काल और तीसरा किस शासक के समय का है, ठीक है ना। तो बुद्धगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का है या विष्णुगुप्त के समय का है या वैन्यगुप्त के समय का है। तो इसका सही आंसर होगा भानुगुप्त के समय का है। एरन स्तंभ लेख गुप्त काल के किस शासक के समय का है, तो इसका आंसर होगा भानुगुप्त के समय का। आगे वाला क्वेश्चन है, विक्रमाक देव चरित्रम में चालुक्य वंश का इतिहास है जिसे लिखा, किसने लिखा था विक्रमाक देव चरित्रम। इसका ए ऑप्शन है कल्लण, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है बारहवीं और डी ऑप्शन है विलन। इसका आंसर क्या होगा कि विक्रमादेव चरितम किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा डी विलन। चलिए आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको कि ध्रुव स्वामिनी मोहर किस वंश से संबंधित है। यह एक मोहर है, ठीक है ना, ध्रुव स्वामिनी नाम की मोहर है जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी है। ये किस वंश से संबंधित है, कल्याणी के चालुक्य वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से या सुंग वंश से। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी जो मोहर थी वह गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चीनी यात्री हमसोंग की पुस्तक शी युग की का अनुवाद किया, किसने किया था, जो हमसोंग ने पुस्तक लिखी थी शी युग की इसका अनुवाद किसने किया। आपका ए ऑप्शन है कैथरीन क्लेमा ने, बी ऑप्शन है प्रोफेसर रोमिला थापर ने, सी ऑप्शन है वाटर्स ने, डी ऑप्शन है वी ए स्मिथ ने। तो इसका सही आंसर होगा आपके वाटर्स ने। जो चीनी यात्री ने हमसोंग की पुस्तक सी यू की लिखी थी उसका अनुवाद वाटर्स ने किया था। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजमल उत तवारीख को लिखा था अबुल कलाम ने, अबुल हसन अली ने या अलबरूनी ने। तो इसका सही आंसर होगा अबुल हसन अली। जो मजमल अल तारिक उत तारिक किताब है वो अबुल हसन अली ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकित उल हिंद के लेखक थे अबुल कलाम, अबुल हसन, अलबरूनी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अलबरूनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1550, 1600 मंत्र, 2000 मंत्र या 2500 मंत्र? तो इसका सही आंसर होगा 2500 मंत्र। 1550 मंत्र थे सामवेद में, सामवेद में कुल 1550 मंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का इतिहास के लेखक थे अलबरुनी, मेरुतुंग, लामा तारानाथ या हेनसोंग? बौद्ध धर्म का इतिहास, तो इसके लेखक थे लामा तारानाथ। लामा तारानाथ एक तिब्बती यात्री लेखक था। बौद्ध धर्म का इतिहास नाम की पुस्तक सुंग वंश के इतिहास को उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करती है इनकी जो पुस्तक है, बौद्ध धर्म का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या किसके अनुसार 18 है? अब हम सबको पता है कि पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा था, किसके अनुसार 18 मानी गई है? चावार्क दर्शन के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, वराह पुराण के अनुसार या उपयुक्त सभी के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा वराह पुराण के अनुसार पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्के थे आहत, चमड़े के सिक्के, सोने के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आहत। आहत सिक्कों का प्राचीन भारत में प्रचलन था। जो सिक्के थे पुराने प्राचीन भारतीय, उनको आहत बोलते थे। ये चांदी सिक्के चांदी एवं तांबे से के बने होते थे। इन्हें पंच मार्कड सिक्के भी कहते थे। अब देखिए, आहत और पंच मार्कड एक ही चीज है। इनका 6वीं शताब्दी से ईस्वी पूर्व प्रचलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन सिक्के उत्कलन से प्राप्त हुए, चिरोंद, बयाना दफीना, ब्रह्मगिरी या सांची? तो इसका सही आंसर होगा बयाना दफीना। बयाना दफीना भरतपुर के पास है। यहाँ पर गुप्तकाल के 1821 सोने के सिक्के प्राप्त अभिलेख जिस अंश से है, ठीक है ना? तो गुप्तकालीन सिक्के उत्कलन से प्राप्त हुए बयाना दफीना। खारवेल का हाथी गुंपा संबंधित है गुप्तकाल से, चालुक्य वंश से, मौर्य काल से या शुंग वंश से? तो इसका सही आंसर होगा शुंग वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ण चौपड़ गोवा अभिलेख किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, शुंग वंश से या हर्ष काल से? देखिए क्वेश्चन वापस, कर्ण चौपड़ गुहा अभिलेख, कर्ण चौपड़, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य काल से। कर्ण चौपड़ गुहा अभिलेख मौर्य वंश का गुहा अभिलेख है जो गया के पास बराबर की पहाड़ियों में प्राप्त हुआ। इस पहाड़ी में दो अन्य गुहा अभिलेख, सुदामा या नयन ग्रोथ गुहा अभिलेख और दूसरा विश्व झोपड़ी गुहा अभिलेख पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, सत्य नहीं लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है। अभिलेखों से संबंधित, अभिलेख उत्कलन से प्राप्त होते हैं एवं वे पुस्तक के समान होते हैं। क्या अभिलेख पुस्तक के समान होते हैं? दूसरा है, अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में उसके बाद क्रमशः संस्कृत, तमिल, तेलुगु में लिखे गए। क्या यह सही है? तो तीसरा अभी है इसका आंसर, अभिलेख लेखन में ब्राह्मी, सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि, करोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। क्या यह सही है? लेखन के अनुसार अभिलेख स्तंभ ताम्रशिला एवं गुहा अभिलेख में वर्गीकृत है। क्या यह सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कि अभिलेख उत्कलन से प्राप्त होते हैं, पुस्तक के समान होते हैं। अभिलेख पुस्तक के समान नहीं होते हैं, ये पत्रों पर या किसी तांबे या लोहे की शिला पर लिखे जाते हैं, पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। एतु तोकी है उर्दू साहित्य, वैदिक साहित्य, संगम साहित्य या संस्कृत साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा आपके संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कलन से प्राप्त सामग्री का कालक्रम ज्ञात किया जाता है। पहला ए ऑप्शन है C14 से, कार्बन की जो विद्या है C14 बोलते हैं उसको।
बी मुद्रा से, सी स्मारकों से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कालक्रम, इसका देखिए कालक्रम जो जानने की विधि होती है उसको कार्बन विधि ही होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कार्बन 14 सी 14 से। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे किसी भी वस्तु का कितनी पुरानी है उसकी समय अवधि पता की जा सकती है कार्बन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पुरातत्व से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का वर्गीकरण नहीं है। अब देखिए वर्गीकरण नहीं है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, आंसर देने में भी आपको सुविधा होगी। पुरातत्व से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का वर्गीकरण नहीं है। अभिलेख, ब्राह्मण ग्रंथ, मुद्रा एवं सिक्के और स्मारक, तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण ग्रंथ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के स्रोत है, ये पुरातत्व या उत्कलन से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद किससे संबंधित है? आर्यों से, किरातों से, कुषाणों से या सवर पुलिंदों से? तो इसका सही आंसर होगा आपके आर्यों से। ऋग्वेद जो है आर्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांड्य, चौल, चेर राजवंशों का वर्णन हुआ अर्थशास्त्र में, बौद्ध धर्म साहित्य में, राज तरंगिणी में या संगम साहित्य में? तो इसका सही आंसर होगा संगम साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का रचना काल, ए ऑप्शन है ईसा की 2 से 3 शताब्दी, बी ऑप्शन है ईसा की चतुर्थ शताब्दी, सी ऑप्शन है ईसा की 5वीं शताब्दी और डी ऑप्शन है ईसा की 1वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ईसा की 2री से 3री शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन अर्थशास्त्र से संबंधित है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की? क्या यह अर्थशास्त्र संबंधित है? कौटिल्य ने की थी या नहीं की थी, सोचिए। अर्थशास्त्र में मौर्य कालीन प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन है। अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, राज्य के अधिक एवं कर्तव्यों का वर्णन है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र से संबंधित है क्योंकि कौटिल्य ने इसकी रचना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था से संबंधित थी और इसमें राज्य से संबंधित सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र विभक्त है 100 प्रकरणों एवं 10 अधिकरणों में, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में, 25 अधिकरणों एवं 250 प्रकरणों में, 5 अधिकरणों एवं 50 प्रकरणों में? तो इसका सही आंसर होगा बी 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक साहित्य राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र में एक प्रमुख समानता क्या है? दोनों में क्या समानता है? दोनों की भाषा संस्कृत है, दोनों की रचना 12वीं शताब्दी में हुई है, दोनों में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए, दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो राजतरंगिणी है और अर्थशास्त्र है दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, जैन ग्रंथों से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैन ग्रंथों से संबंध में कौन सा ग्रंथ सत्य है, ये देखना, ध्यान रखना। जैन ग्रंथों का संकलन गुजराती है वल्लभी ईसा की 6वीं शताब्दी में हुआ। जैन ग्रंथों में बिहार, पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी सम्मिलित है। जैन धर्म ग्रंथों में महावीर कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी सम्मिलित है या उपयुक्त सही? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जैन ग्रंथों में गुजरात में ईसा की 6वीं शताब्दी में हुआ जैन ग्रंथों का संकलन, वो भी सही है। जैन ग्रंथों में बिहार, पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी सन्निहित है, ये भी सही है। जैन ग्रंथ
धर्म ग्रंथों में महावीर कलिंग राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी सन्निहित है। तो ये तीनों ही सही है। आगे का क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म ग्रंथों की भाषा है। अब जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए थे कौन सी भाषा में लिखे गए, उर्दू में, पाली में, प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथ जो थे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक की रचना है उर्दू पाली भाषा है, त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए थे? जो त्रिपिटक ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखे, उर्दू पाली प्राकृत और संस्कृत? तो इसका सही आंसर होगा बी, पाली। त्रिपिटक जो थे पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? अब ऋग्वेद के समकालीन या साम्यता या ऋग्वेद के जैसा ही ग्रंथ कौन सा है? ईरानी ग्रंथ, जैन अश्वेता, अवेस्ता, चीनी ग्रंथ फोक्यो की, चीनी ग्रंथ सीयू की और वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद? तो इसका सही आंसर होगा ए, आंसर होगा ईरानी ग्रंथ जैन अश्वेदा। जो जैन अश्वेदा ग्रंथ है वो ऋग्वेद से साम्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत की दंड संहिता का मौलिक आधार है उपनिषद, महाभारत, रामायण और स्मृतियाँ। वर्तमान भारत का की जो दंड संहिता है, ठीक है ना, उसका मौलिक अधिकार कौन सा है, मौलिक आधार कौन सा है? यानी जो अभी भारत की जो दंड संहिता चल रही है, वर्तमान में भारत की जो दंड संहिता जो चल रही है वो किससे ली गई है, उसका मूल कौन सा है, उपनिषद, महाभारत, रामायण या स्मृतियाँ? तो सही आंसर होगा इसका डी, स्मृतियाँ। जो हमारी जो वर्तमान भारत में जो दंड संहिता है चल रही है उसका मौलिक आधार स्मृतियाँ है। मनुस्मृति का रचना काल कब है? 200 ईसा पूर्व के या से 100 ईसा के मध्य, 200 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य, बी ऑप्शन है 200 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य, सी ऑप्शन है 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य और डी ऑप्शन है 200 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। तो सही आंसर होगा बी, 200 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य। आगे का क्वेश्चन देखिए, जातकों में निम्नलिखित में से वर्णित है कौशल, अंग, मगध एवं काशी की प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरी है चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्राचीनतम भारतीय का इतिहास और बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन और सृष्टि की कहानी। अब इसमें से सही कौन सा है, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3, 4 या उपयुक्त सही? इसको आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पढ़िए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद्दक निकाय है अष्टांगिक मार्ग, जातकों का एक अंग, जैन धर्म के त्रिरत्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जातकों का अंग। जो खुद्दक निकाय है वो जातकों का एक अंग है। वंशानुचरित संबंधित है आयुर्वेद से, पुराणों से, वेदों से या सांख्य दर्शन से? वंशानुचरित्र ये आपके पुराणों से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, आपको वापस याद रखना होगा इसका आंसर। अगर आपने आराम ध्यान से सुना है, हमने जो पढ़ा है इतने क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर ध्यान से देखे हैं तो आपको इसका उत्तर पता होगा। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 29, 18, 108 या 30? तो इसका सही आंसर होगा 18, पुराण 18 पाए जाते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या वैदिक काल में? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुप्त काल में
पुराणों की रचना हुई थी, गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विश्वकोश जिन्हें कहा जाता है, अब भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ये भी आपको जो हमने पिछला वीडियो बताया था उसमें दो तीन बार आपको बताया था कि यह क्वेश्चन बन सकता है, भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है, उपनिषदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को या महाकाव्यों को। तो इसका सही आंसर होगा पुराणों को, प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, प्रारंभ में रामायण में 6000 पद्य थे जो अंत में 24000 पद्य हो गए। बी देखिए, रामायण का संपादन 5 चरणों में हुआ। सी देखिए, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। और डी है, उपयुक्त सभी। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है रामायण से संबंधित? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सही सभी। जो इसमें जो ए बी और सी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही सही है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, 4 चरणों में हुई थी, इसमें पहले 6000 पद थे और अंत में 24000 पद हो गए। महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या है महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन भारत से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी महाभारत में वर्णित है। बी ऑप्शन है, महाभारत में तत्कालिक इतिहास स्थिति क्रम से वर्णित है। सी ऑप्शन है, महाभारत में प्राचीन भारत की विदेशी जाति और राजा और राज्य के सिद्धांत वर्णित है। और डी ऑप्शन है, महाभारत में विदेह मगध आदि राज्यों की स्थिति वर्णित है। तो इसका सही आंसर होगा आपके बी, महाभारत में तत्कालीन इतिहास स्थिति क्रम से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का रचना काल 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व है या 1400 से 700 ईस्वी पूर्व है या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है या 700 से 700 ईस्वी पूर्व है? इसका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? ऋग्वेद का रचना काल कितना है? तो ऋग्वेद का रचना काल आपके 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास में सत्य शास्त्री संहिता है, ऋग्वेद संहिता, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, सत्य शास्त्री संहिता। तो इसका सही आंसर होगा सी महाभारत। महाभारत को सत्य शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में या हर्ष काल में? इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ गुप्त काल में। तो इसका आंसर ए सही होगा। महाभारत को वेदव्यास ने लिखा, कब लिखा? ए ऑप्शन है 950 ईस्वी पूर्व में हुए भरत युद्ध के आधार पर लिखा। बी ऑप्शन है धार्मिक कल्पनाओं के आधार पर लिखा। सी ऑप्शन है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर लिखा। अब इसमें जो महाभारत लिखा वेदव्यास ने किस आधार पर लिखा ये आपको पता करना है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी के आधार पर लिखा। तो इसका सही आंसर होगा कि जो 950 ईस्वी पूर्व में भरत युद्ध हुआ था उसके आधार पर वेदव्यास ने महाभारत का रचना की थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दर्शनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? न्याय दर्शक तर्क पर आधारित है, वैशेषिक दर्शन पदार्थ पर आधारित है, सांख्य दर्शन नास्तिकता का द्योतक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से सही उत्तर होगा कि दर्शनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये सारे के सारे जो कथन है ये असत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र का रचना काल है, ए ऑप्शन है 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व से
छठी दस शताब्दी ईस्वी, बी ऑप्शन है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, और सी ऑप्शन है तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दर्शन शास्त्र का इतिहास का इतिहास रचना का काल देखिए, दर्शन शास्त्र का रचना का काल है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्व सूत्र के उप विभाग है, ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 भी नहीं, क्योंकि सुल्व सूत्र कल्प सूत्रों का एक वर्गीकरण है। कल्प सूत्रों के 4 विभाग है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुल्व सूत्र, और स्रोत सूत्र के 11, ग्रह सूत्र के 8, धर्म सूत्र के 4 उपविभाग है। सुल्व सूत्र का कोई भी उपविभाग नहीं है, इसलिए ये आंसर ध्यान रखना कि सुल्व सूत्र का कोई भी उपविभाग नहीं है। वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 और 6। वेद कितने प्रकार के हैं, हमने आपको बताया था वेद कितने हैं, वेद चार प्रकार के होते हैं। कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद चार, ऋग्वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांगों के संबंध में निम्नलिखित में से शिक्षा है, पुस्तक के ज्ञान है, लेखक की जानकारी है, वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेदांगों में क्या है, वेदांगों की जो शिक्षा है हमें कैसे मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई उपवेदों में, दर्शन में, पुराणों में या श्री मद भागवत गीता में। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्री मद भागवत गीता में उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई श्री मद भागवत गीता में। आगे का क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का रचना काल है, ए ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व ईस्वी से 1000 ईस्वी, बी ऑप्शन है 800 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 800 से 500 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 800 से 800 ईसा। तो इसका सही आंसर होगा आपके सी, 800 से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है 10, 100, 105 या 108। उपनिषद कितने हैं भाई, उपनिषद है 108। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आरण्यकनीय है, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और श्वेताश्वर। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्वेताश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं, आरण्यक, उपनिषद, पुराण और वेद। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत आरण्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, विश्वकोश और वेदों का टीका। तो इसका सही आंसर होगा डी, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों की टीका माने जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का, ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की रचना हुई, इसका सही आंसर होगा 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो ये तो हमने जो आपको पार्ट बताए थे, वीडियो बनाया था ऐतिहासिक स्रोतों का, उसमें से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि हमने जो मेहनत की है आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए सहायक हुई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।